हेलो जी, सत श्री अकाल जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अरबी का सैलेड, जो झटपट बन जाता है और खाने में बहुत स्वाद लगता है। जल्दी बनने वाली रेसिपीज आज मैं ज़्यादा आपके साथ अब जल्दी जल्दी शेयर करूँगी। आओ चले देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने आधा किलो अरबी लिए, इसको अच्छी तरह धो लिए, इसको अच्छी तरह धो के साफ करिए क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। इस अरबी को हम दो विसल्स डलवाएंगे, विसल दूसरी बचते सारी कुकर को कर देंगे बंद। ये मैंने अरबी डाल दी है कुकर में, अब हम इसे करेंगे बॉईल। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इसे सिर्फ दो विसल्स देंगे, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो वो मुशी मुशी सी हो जाती है। जैसे दूसरी सीटी बजते सर गैस कर दीजिए बंद। जब तक अरबी बॉईल हो रही है तब तक हम क्या करेंगे, इमली को धो लेंगे और इसको थोड़ा गर्म पानी में भिगो के रख लेंगे। ये मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इमली ली है, उसको गर्म पानी में भिगो लिया है। अरबी हमारी बॉईल हो गई है और एक बार आप इसे चेक कर लीजिए कि ये अच्छी तरह अंदर से पक गई है कि नहीं, और अगर आपको लगे कि ये नहीं गली है तो आप इसको एक विसल और दिलवा सकते हैं, लेकिन मेरे तो इसमें दो विसल में ही अच्छी तरह ये पक गई है। इसे हम निकाल लेंगे। अरबी को मैंने स्ट्रेन कर लिया है, इसको आप 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए, और अगर आपको जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। अरबी के सैलेड के लिए मैंने यहाँ पे पीली, लाल, हरी, एक हरा प्याज, टमाटर जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं, एक छोटी सी लाल मिर्च और हरी मिर्च और धनिया काट के रख लिया है। और यहाँ पे मैंने अरबी जो है वो सारी छील ली है। जब ये थोड़ी हल्की हल्की गर्म हो तभी छील लीजिए। और एक बात और, अगर आपके हाथों में कईयों को अरबी छीलने से क्या है कि खारिश होती है, तो आप अपने हाथों में कोई भी वेजिटेबल ऑयल या मस्टर्ड ऑयल लगा के काट लीजिए। इसमें अब मैंने जितने भी जो जितनी वेजिटेबल्स काटी है वो सारी मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा ऊपर। और ये हरा प्याज, अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल जो घर पे प्याज होता है वो। हरी शिमला मिर्च, ये बहुत सुंदर बनती है कलरफुल सी। टमाटर साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ, एक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, नमक थोड़ा कम ही डालेगा क्योंकि अभी मैं इसमें थोड़ी सी चटनी वगैरह डालूंगी। और इसमें मैं डालूंगी मेन जीरा पाउडर, क्योंकि बहुत से लोगों को जो अरबी है वो वाई करती है, इसलिए खूब सारा हरा धनिया और जीरा पाउडर डालें। और साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने इमली भिगो के रखी थी, उसे छान के मैं इसमें डाल लूंगी। जो हमने पल्प है इसका ले लेंगे, इमली का पानी इसमें डालेंगे अच्छी तरह, और साथ में इमली का पल्प डालने के बाद उसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मीठी चटनी, जो मैंने घर पे ही बनाई हुई है। अगर इसकी रेसिपी भी आप चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। 2 बड़े चम्मच, क्योंकि ये बहुत चटपटी सी सैलड बनता है। अब आप इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अगर आपको इसमें इमली का पल्प थोड़ा कम लग रहा हो तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास इमली नहीं है। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। हमारा अरबी का सैलेड बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र या फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और आप इसको फिर जब ये ठंडा हो जाए और इसको सर्व करिए, बहुत ही यम्मी लगता है। बारी है अब इसे सर्व करने की, और इसको टेस्ट को बताने के लिए बैठे हैं राजा जी। बारी है टेस्ट करने की, जो मेरे पति देव कर रहे हैं। नाक तो बहुत यम रहा है यार, टू गुड। आ जी टेस्ट करें हम। हाँ जी, सैलेड, हेल्दी सैलेड। देखो जी, ये खा रहे हैं अरबी सैलेड, टू गुड लवनी, टू गुड। बहुत चटपटा सा, जब आपको चटपटा खाने का मन करे ना तो आप ये जरूर बनाएं। और वैसे भी अरबी बहुत अच्छी होती है। एग्जैक्टली, बहुत चटपटा बनाया, परफेक्ट नमक है, परफेक्ट इसके अंदर जो चटपटा भी पन है ना वो भी परफेक्ट है। अरे आप इतने चटपटे हो तो अरे तो आपके लिए चटपटा ही बनाना था ना तो। अब आप इतने चटपटा खा रहे हो ना तो आपको ये चने चावल फीके नहीं लगे।
ये ध्यान रखना। कोई ना जी, कोई ना, आप भी जाएं, बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। ट्रस्ट मी, दे विल लव इट। अगर आज तक आपने ये नहीं बनाया, आई थिंक यू शुड ट्राई, यू शुड गिव इट अ ट्राई एट लीस्ट वंस। एंजॉय। चलो जी, घर वाले सब कर रहे हैं इंजॉय, सब आ गए हैं अपनी प्लेटें लेकर, भारी अब मेरी भी साथ में खाने की, तो आप लोग भी बनाएं, खाएं और इंजॉय कीजिए।